एक छोटी लड़की, जब से वो 6 साल की थी तब से लेकर 17 साल तक वो एक बूढ़े आदमी के साथ रहती है। जब ये 17 साल की होगी तब ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए दबाव 2005 की मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी में लगा कि स्टोरी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, तो इसके लास्ट में मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो इवेंट्स थे ये क्यों हो रहे थे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें ओल्ड मैन दिखता है, उसके पास बो एंड एरो होते हैं। इस बो को वो स्ट्रिंग्स बांधता है और इसे एक वायलिन की तरह डिवाइस बना लेता है। इसके साथ जो लड़की है वो हमें दिखती है, इसके आंखों पर ये काजल लगाते हुए हमें दिखता है और इसके बाद ये म्यूजिक बजा रहा है। ये दोनों जो होते हैं एक बोट पर रहते हैं, एक फिशिंग बोट होती है। इस बोट को ये ओल्ड मैन रेंट करता रहता है, आज भी कुछ लोगों को इसने ये रेंट किया होता है। जब ये लोग फिशिंग करने के लिए आते हैं तो इस लड़की को देखते हैं, इसे अपने पास बुलाते हैं। ये दोनों जो है इनकी रिलेशनशिप इन्हें पता नहीं है। ये इस लड़की से पूछते हैं, वो तो तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं है ना, तुम रात में एक साथ सोते होंगे। ये उसकी मजाक ले रहे होते हैं, तभी ओल्ड मैन अपना बो एंड एरो लेता है और उन पर चलाता है। ये दो लोग जो होते हैं ये डर जाते हैं, ये दोनों फिशिंग करने लग जाते हैं। इसमें से एक आदमी कहता है कि इन दोनों ने डिसाइड किया है कि जब ये 17 साल की होगी तब ये दोनों शादी करने वाले हैं। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अपने अपने फिशिंग करो, नेक्स्ट जो बो आएगा वो तुम्हारे बॉडी में ही घुसेगा। ये ओल्ड मैन जो है ये फॉर्चून बताता है। अभी अभी हमें जो दो लोग दिखाए गए हैं उसमें से एक आदमी को उसकी फॉर्चून पता करनी है। ओल्ड मैन को कहता है कि मेरे और मेरे वाइफ के जो संबंध है वो ठीक नहीं चल रहे, क्या तुम मुझे मेरी फॉर्चून बताकर समझा सकते हो। इस तरह से ओल्ड मैन फॉर्चून कैसे बताता है इसकी मेथड हमें दिखाई गई है। जिस बोट पर ये रह रहे होते हैं इस बोट पर एक झूला होता है, ये लड़की इस झूले पर बैठती है और इसके बाद ही ओल्ड मैन बो एंड एरो लेता है। इस झूले के पीछे बुद्ध की पेंटिंग होती है। जब ये लड़की झूला झूलती है तो बो एंड एरो से ये बुद्ध की मूर्ति पर बो मारता है। ये इस लड़की को लग सकते हैं पर ये लड़की उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। ओल्ड मैन का निशाना कभी भी नहीं चूकता। जब ये 3 एरो चलाता है तो ये लड़की ओल्ड मैन के पास आती है। ये एक्चुअल में ये लड़की बता सकती है, ये इसके कान में मैसेज दे देती है। ये ओल्ड मैन जिस आदमी ने पूछा था उसको सब कुछ कह देता है। ये मैसेज क्या है ये हमें सुनाई नहीं देता, पर ये जो आदमी है ये मैसेज सुनकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद ये फिशिंग करने वाले दोनों जाते हुए हमें दिखते हैं। अब इन दोनों का क्या रूटीन है ये हमें पता चलता है। ये जो लड़की है ये अभी बो एंड एरो की प्रैक्टिस करती है। ये जो ओल्ड मैन है इसके पास एक और बोट है, इस पर वो शहर जाकर आता है। जो भी सब सप्लाईज वगैरह होते हैं ये सब वो लेकर आता है। ये लड़की कभी भी शहर नहीं गई है, जब से वो 6 साल की थी अब वो 17 की होने वाली है तब तक वो पूरी वर्ल्ड से दूर रही है। ये ओल्ड मैन इस लड़की को नहलाता है, रात हो जाती है तब अपने बो एंड एरो से वो एक इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। ये इंस्ट्रूमेंट बोट के ऊपर जाकर वो बजाते रहता है। ये एक तरह का मेडिटेशन रिप्रेजेंट करता है। एरो एज ए पावरफुल वेपन और मेडिटेशन, ये दो तरीके से हमें दिखाया जाता है। रात में हमें दिखता है कि ओल्ड मैन इस लड़की के पास आता है, मेजरिंग टेप इसके पास होती है और उसकी हाइट क्या हो गई है ये वो देखता है। फिर वो कैलेंडर के पास जाता है, कैलेंडर में जाकर आज का दिन जो खत्म हो चुका है इसको मार्क कर देता है। यहाँ हमें दिखता है एक मंथ के बाद ये लड़की 17 साल की होने वाली है और कैलेंडर पर लिखा होता है कि इस दिन पर ये दोनों शादी करने वाले हैं। नेक्स्ट दिन ये ओल्ड मैन फिर से सप्लाईज लेने के लिए जाता है। इसके बाद हमें ये लड़की खाना खाते हुए, स्ट्रिंग से इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, झूला झूलते हुए और पूरे बोट पर खेलते हुए हमें दिखती है। जब ये ओल्ड मैन वापस आता है तो इसके सप्लाईज में इस लड़की के लिए बूट्स भी होते हैं। ये जो बूट्स होते हैं ये इसे अभी वो देने नहीं वाला होता। आज उसने जो शॉपिंग की है इसमें क्लोथ्स है, ये इनके शादी के क्लोथ्स है। ये जो सामान है एक कवर्ड में वो लॉक कर देता है। इसके बाद हमें फिर से 2 आदमी दिखाए गए हैं, वो फिशिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। इस लड़की को वो पास बुलाते हैं, इनके पास एक मछली होती है उसके कपड़ों में वो डाल देते हैं। इसे वो फील करने की कोशिश करते हैं पर ओल्ड मैन भाव लेता है और एक जगह पर मारता है, इन दोनों को डरा देता है। ये दोनों उस पर चिढ़ जाते हैं और अपने आप में डिस्कस करते हैं कि हम चारों यहाँ अकेले ही है, हम दोनों ने अगर डिसाइड किया तो ओल्ड मैन को मार सकते हैं। ये दोनों फिर ओल्ड मैन के पास आते हैं और उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं, लड़की के पीछे लग जाते हैं पर लड़की वहाँ से भागने लग जाती है। इस बोट में अलग अलग जगह से भागते हुए बोट के टेरेस पर आ जाती है। इसके बाद वो बो एंड एरो लेती है और इन दोनों पर वो निशाना लगाती है, इन दोनों को वो मार सकती है और इसके बाद ये दोनों डर कर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में और कुछ लोग फिशिंग करने के लिए आते हुए हमें दिखते हैं। ये जो लड़की होती है इसी के ही एज का एक लड़का वहाँ आता है। इस लड़के को देखते ही उसे इसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, इसे देखकर स्माइल करती है, इसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इस लड़के के पास हेडफोन्स होते हैं,
इसके पास जाती है और इस हेडफोन्स को पहन लेती है। ये सॉन्ग सुनना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इस लड़के को भी क्वेश्चंस होते हैं। ये पूछता है, तुम्हारी एज क्या है, तुम स्कूल में कहाँ पढ़ती हो, तुम क्या कभी सियोल गई हो, ये सब क्वेश्चन उसे पूछता है। बाद में इसे ये भी पूछता है कि ये जो ओल्ड मैन है क्या तुम्हारा ग्रैंडफादर है। ओल्ड मैन को ये लड़की इससे बात करी अच्छा नहीं लगता तो इसके पास वो चला जाता है। हेडफोन्स इस लड़की से निकाल लेता है, उसे अंदर लेकर आता है। रात में ओल्ड मैन इस लड़की को जब नहला रहा होता है तो ये लड़का ऊपर से देखता है। ये लड़की भी उसे देख कर स्माइल करती है। नेक्स्ट दिन इस लड़के के जो फादर है ये इस ओल्ड मैन के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बिजनेस सही से नहीं चल रहा, क्या मेरी फॉर्चून तुम बता सकते हो। इसके बाद जो सब इनका वे होता है, जिस तरह से फॉर्चून बताते हैं, ये सब होता है। ओल्ड मैन बो चलाता है, ये लड़की झूला झूलती है, इस लड़की के पास से ही एरो चले जाते हैं। ये लड़का ये सब देखता है। जब लड़के के फादर को ओल्ड मैन फॉर्चून बताता है तो उसके फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लड़का फिर से जाने वाला होता है। जाते जाते अपने जो हेडफोन्स है इस लड़की को देखकर चला जाता है। जब ये हेडफोन्स ओल्ड मैन देखता है तो इस पर गुस्सा हो जाता है। ये हेडफोन्स उसे छीन लेता है और लॉकर में बंद कर देता है। इसके बाद हमें फिर से इनका रूटीन दिखाया जाता है। ये जो सब पहले करते थे यही वो फिर से कर रहे हैं। रात में इनका जो बेड होता है, लड़की नीचे सोती है और इसके ऊपर के बेड पर ये ओल्ड मैन सोता है। लड़की का हाथ पकड़ कर इसे सोना अच्छा लगता है। जब ये ओल्ड मैन फिर से सिटी में चला जाता है तो उसके लॉकर में क्या है ये लड़की देखना चाहती है। इसमें इनके शादी का सब सामान होता है। लड़की के जो क्लोथ्स होते हैं ये पहन लेती है। पूरे बोट में वो घूमती है। जो हेडफोन उस लड़के ने इसे दिए थे ये भी वो पहन लेती है। यहाँ में इस हेडफोन के जो वायर है ये ऑडियो डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है, ये हमें दिखता है। यानी कि इस लड़के ने इसे हेडफोन दिए है इसीलिए इसे पहनने हैं। रियल वर्ल्ड का जो कनेक्शन है ये इसे चाहिए है। ओल्ड मैन जब वापस आता है तो उसके हेडफोन लेने के लिए वो इस पर चिढ़ गई होती है। ये इसके पास आता है और स्माइल करता है। इसे वो सुलह करना चाहता है पर ये वहाँ से उठकर चली जाती है। और एक आदमी यहाँ फिशिंग करने के लिए आया हुआ होता है, इसके पास आती है और उसके कंधे पर सर रख कर सो जाती है। ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। ये इसको उठाता है और बोट में बंद कर देता है। जो आदमी था उसे भी यहाँ से भगा देता है। इसके बाद के सीन में हमें लड़की आकाश में प्लेन देखते हुए दिखती है। रियल वर्ल्ड की जो भी सब चीजें होती है ये इसे बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगती है। इस रात हमें दिखता है कि ओल्ड मैन कैलेंडर के पास आता है। इस डे को मार्क कर रहा होता है तभी इसे एक आइडिया आती है। नेक्स्ट मंथ अभी भी दूर है, इसका जो पेशेंस है ये खत्म हो रहा है। अगले कुछ दिन वो मार्क कर देता है, यानी कि ये दिन गुजर चुके हैं, ऐसा वो प्रिटेंड करता है। ये लड़की भी ये देख रही होती है। आज उस आदमी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है और ये उससे बात भी नहीं कर रही। उसे लग रहा है कि इससे दूर जा रही है, इसीलिए जल्द से जल्द इसे अपने पास बुलाना चाहता है। नेक्स्ट दिन में बो एंड एरो की प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखती है और वहाँ ओल्ड मैन भी बैठा हुआ होता है। ये ओल्ड मैन पर निशाना लगाती है, ये भी उसके आँख में आग डालकर वही बैठा रहता है। ये लड़की फिर अपना माइंड चेंज कर लेती है। अब थोड़े दिनों बाद हमें जो लड़का वहाँ आया था वो फिर से आता हुआ दिखता है। ये लड़की इसे देखकर बहुत ही खुश होती है। जब लड़का फिशिंग कर रहा होता है तो अपना एक डमरू लेती है। तो लड़की उसके पास जाती है, उसके पास एक डमरू होता है। ये डमरू उसके कान पर लगाती है और ये बजाने लग जाती है। इस तरह से इस लड़के ने उसके हेडफोन्स इसे इंट्रोड्यूस कराए थे, इसी तरह से अपना डमरू भी इसको इंट्रोड्यूस कराती है। इसका जो वर्ल्ड है ये उसे वो दिखाना चाहती है। रात में लड़की जब सोई हुई होती है तो लड़के के पास वो चली जाती है। ओल्ड मैन अपना हाथ नीचे रखता है, इस लड़की को हाथ पकड़ना चाहता है पर वो यहाँ नहीं होती। ये लड़का और लड़की एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी ओल्ड मैन देख लेता है। ये इस लड़की को बोट में दूसरी जगह लेकर जाता है। ये लड़का फिर उसे बातें करने लग जाता है। ये लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो क्या फील करती है, इस लड़की को तुम बांध कर नहीं रख सकते। इस लड़की के जो पेरेंट्स है ये भी उसे ढूंढना चाहते होंगे, मैं इन्हें ढूंढ लूंगा और फिर से वापस आऊंगा। इस दिन ये लड़का और इसके फादर इन दोनों को ये ओल्ड मैन वहां से भगा देता है। ये लड़का यहाँ से चला गया है तो इस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है। इसे भी इस लड़के के पीछे जाना होता है। जो ओल्ड मैन के पास बोट होती है इस पर वो चढ़ जाती है। इस बोट को वो स्टार्ट करती है और वहां से जाने वाली होती है तभी ओल्ड मैन ने देख लेता है। इस बोट में वो चढ़ जाता है और इस बोट को रोक लेता है। इसके बाद इस ओल्ड मैन का जो पेशेंस है ये खत्म हो जाता है। इनके जो बेड्स है ये एक दूसरे के ऊपर है तो इस बेड्स को वो काट देता है, साइड में इन दोनों को लगा देता है। ये लड़की बहुत ही दुखी होती है पर तभी इसे देखता है कि जो लड़का है ये वापस आ चुका है। ये ओल्ड मैन को एक पॉम्पलेट दिखाता है, इसमें लिखा होता है कि ये जो लड़की है ये मिसिंग है, इसके पेरेंट्स इसे ढूंढ रहे हैं। इस ओल्ड मैन को ये बताता है पर ये ओल्ड मैन इस पॉम्पलेट को नीचे फेंक देता है। लड़की को ये लड़का कहता है तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, तुम 10 साल से इस आदमी के साथ रह रही हो, ये तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है पर तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा।
ये लड़का जब बैठा हुआ होता है तो ये ओल्ड मैन उसे मारने के लिए अपना एरो लेता है। ये लड़की इस लड़के की आगे आ जाती है। ओल्ड मैन अभी एरो चला नहीं सकता। जब रात में ये दोनों सोए हुए होते हैं तो ओल्ड मैन फिर से इसका हाथ पकड़ना चाहता है, पर इस बार ये उसे हाथ पकड़ने नहीं देती। इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर इसे वो एक झापड़ लगा देती है। अभी ओल्ड मैन इसमें नाराज होता है, इसे बातें नहीं कर रहा होता। दूसरे दिन जब ये बोट पर अकेला बैठा हुआ होता है तो लड़की उसके पास जाती है। ये उसके पास जाकर उसे बता रही होती है कि प्लीज उस पर नाराज मत हो। इसका जो गुस्सा होता है ये वो निकालना चाहती है। बोट रिपेयर करते करते इस ओल्ड मैन को चोट लग गई होती है। ये चोट ये लड़की पहुंच रही होती है। ओल्ड मैन इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है तो इसे स्लैप करता है। ओल्ड मैन इसे स्लैप करते रहता है तो ये लड़का इस लड़की को बचाता है। ये लड़का अब इस पर चिढ़ गया होता है। ये लड़का उससे कहता है, तुम तो फॉर्चून बता सकते हो, क्यों ना अब तुम फॉर्चून बता दो। इस लड़की का फ्यूचर क्या है, ये तुम्हारे साथ रहेगी या मेरे साथ, ये सब डिसाइड हो जाएगा। ओल्ड मैन भी इसके लिए मान जाता है। जब फिर से इस लड़की के पास से एरो चलाता है तो लड़का अभी सहन नहीं कर पाता। जिस झूले पर ये लड़की होती है इस झूले को वो काट देता है, यानी कि इस लड़की को कोई भी हार्म ना हो। जो फॉर्चून होती है ये लड़की ओल्ड मैन को बताती है और यही फॉर्चून इस लड़की को वो बता देता है। इस लड़की को ये बहुत ही अलग लगती है। ये लड़का और लड़की फिर दोनों ओल्ड मैन के पास आते हैं। ये कहते हैं, कल हम जाने वाले हैं। ओल्ड मैन ने उसकी और लड़की के शादी के लिए जो सब सामान लाया होता है ये सब वो फिर बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट दिन ये लड़का और लड़की बोट में बैठकर जा रहे होते हैं तो इस बोट को बांधने के लिए जो डोर होती है ये डोर का फंदा बना लेता है। ओल्ड मैन अपने नेक को ये बांध लेता है और सुसाइड करना चाहता है। ये बोट आगे नहीं जा रही होती तो लड़की को समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। ये जो डोर होती है ये वो काट देती है। आगे जाकर इसे रियलाइज होता है कि ये जो सब हो रहा है ये गलत हो रहा है। वो फिर से वापस आती है, ओल्ड मैन के पास आकर उसे हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर रोने लग जाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया था पर अब फिर से इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें दिखता है कि शादी के जो सब क्लोथ्स वगैरह होते हैं ये इकट्ठा कर दिए जाते हैं। ये अब भी क्लोथ्स पहन लेते हैं, एक दूसरे को रेडी करते हैं। अब ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। ये लड़की भी मेकअप करती है, सब सामान वो लगाते हैं। जो सब विधि होती है ये की जाती है। एक दूसरे को स्वीट्स खिलाते हैं और इसके बाद इनकी शादी खत्म हो जाती है। ओल्ड मैन के पास जो छोटी बोट होती है इस पर वो बैठकर दोनों हनीमून के लिए आगे चले जाते हैं। जो लड़का होता है ये बड़ी बोट पर ही रुकता है। जो विधि हुई थी यह एक मुर्गा और मुर्गी थी। ये लड़का फिर मुर्गा मुर्गी के पास बैठता है और इस मुर्गी को मारने लग जाता है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि जो लड़की है इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। इसे वो बचाना चाहता था पर ये बचना नहीं चाहती थी। अब हमें दिखता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये सब कपड़े इस लड़की को उतारता है। उसके बाद अपना बो निकालता है और ये बजाने लग जाता है। ये लड़की ये म्यूजिक सुनते सुनते सो जाती है। अपना ये सॉन्ग खत्म कर कर ये ओल्ड मैन खड़ा हो जाता है। एक एरो लेता है, आकाश में छोड़ता है और इसके बाद ये पानी में कूद जाता है। ये ओल्ड मैन यहाँ सुसाइड कर लेता है। ये जो बोट है ये फिर से इस लड़की के पास आ जाती है। ये लड़की जब सोई हुई होती है तो अपने आप को प्लीज करने लग जाती है। जब वो उठती है तो इस लड़की के साथ में वो वर्ल्ड में जाते हुए हमें दिखती है। यही मूवी एंड हो जाती है पर एक्चुअल में हुआ क्या ये हम अब एनालाइज करेंगे। जैसे हमने पूरी मूवी में देखा था कि जो ओल्ड मैन था इस लड़की को उसके बचपन से यहाँ रख रहा था, जो रियल वर्ल्ड था इससे उसे दूर रखना चाहता था। ये जो ओल्ड मैन होता है ये भाव को वेपन भी बना लेता है और उसे इंस्ट्रूमेंट भी, यानी कि एक तरह का मेडिटेशन और किसी को मारने का साधन। यह जो ओल्ड मैन है इस लड़की को दुनिया में जो सब दुख है जो सब चीजें हैं ये सब एक्सपीरियंस करने से दूर रखना चाहता है। अलग अलग लोग जब यहाँ आते हैं तो रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो इनसे प्रभावित लड़की होती है। ये लोग जब यहाँ आते हैं तो इस लड़की की क्यूरियसिटी ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो सब चीजें इसके पास है इसके बियॉन्ड उसे जाना है ये सीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखते हैं कि जो सब लोग आते हैं इसके साथ सोना चाहते हैं, इसका शोषण करना चाहते हैं, फिर भी जब लड़का वहाँ आता है तो ये फिर से उसके साथ इस वर्ल्ड में जाना चाहती है। जिस वर्ल्ड में वो जाना चाहती है ये पेन से भरा हुआ है। बहुत सारी गलत चीजें इसे वहाँ देखने के लिए मिलेगी, बहुत बैड एक्सपीरियंस इसके हो सकते हैं, फिर भी इसे यही एक्सपीरियंस करना है। जब उसके एज का ये लड़का वहाँ आता है तो इससे वो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। रियल वर्ल्ड की जो सब चीजें होती है इससे वो अटैच हो जाती है। ओल्ड मैन का इस लड़की पर कंट्रोल था, वो उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर अपनी बनाना चाहता था। पर जब ये लड़का आया जो सब चीजें हुई उसके बाद उसे पता चल गया था कि उस लड़की पर इसका कभी भी कंट्रोल नहीं था। लड़की जो है ये फ्री है, इसकी डिसीजन वो ले सकती है। इसे वर्ल्ड को देखना है तो इसे देखना चाहिए, ये इसे एक जगह पर बांध कर नहीं रख सकता। इसलिए इस लड़के के साथ उसे वो जाने देता है। इसे वो झिड़ा होता है फिर भी इसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। लड़की इसके पास फिर से वापस आ जाती है। थोड़े से मोमेंट के लिए
इसे अपना बना लेता है, पर इसे मालूम है कि इसे इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। ये फिर सुसाइड कर लेता है और ये लड़की हमें एक बोट में अपने आप को प्लीज करते हुए दिखती है। जिस सीन में वो अपने आप को प्लीज करते हुए दिखाई गई है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अब वो सब एक्सपीरियंस कर रही है। जिस जगह पर वो कन्फाइंड थी, अब उस जगह पर वो नहीं रहने वाली, पूरे वर्ल्ड को वो एक्सपीरियंस करने वाली है। उसके अंदर की जो सब डिजायर थी, अब वो बाहर आ रही है। इसके बाद लड़का और लड़की रियल वर्ल्ड में चले गए थे और जहाँ वो रह रही थी, ये बोट अब डूब चुकी है। ये मूवी हमें फ्रीडम, जेलेसी, ईगो, क्यूरियसिटी, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखा कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इस तरह से बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।